नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अब किसानों को मिलेगा डेढ़ गुना मुआवजा, प्रधानमंत्री का ऐलान। बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से संकट में फंसे किसानों की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फसल नुकसान से जुड़े मानदंडों में ढील देने की घोषणा की, जिससे किसानों को अधिक मुआवजा और सरकारी सहायता मिलेगी। मोदी ने कहा कि पहले के नियम के अनुसार किसान तभी मदद का पात्र माना जाता रहा है जब उसकी 50% फसल का नुकसान होता था, लेकिन अब यदि किसान की 33% फसल का भी नुकसान हुआ है तो उसे सरकारी मदद दी जाएगी, इससे ज्यादा किसानों को मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही मुआवजे की राशि को भी बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया गया है। अमिताभ बच्चन को मिला पद्म विभूषण। अमिताभ बच्चन और प्रिंस करीम आगा खान उन हस्तियों में शामिल हैं जिन्हें बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कोट्टायन के वेणुगोपाल और कर्नाटक के वीरेंद्र हेगड़े को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। जाने माने असमी फिल्मकार जहानू बरुआ और कंप्यूटर वैज्ञानिक विजय भटकर को तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन सभी हस्तियों को राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में सम्मान दिया गया। हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम, महिला क्रिकेटर मिताली राज, अर्थशास्त्री विवेक देवराय, आईटी क्षेत्र के दिग्गज टीवी मोहनदास पै और संगीतकार रविंद्र जैन को पद्मश्री प्रदान किया गया। भूमि अधिग्रहण बिल से भूमिहीनों को मिलेगा रोजगार, जेटली ने कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पारित हो जाने के बाद औद्योगिक गलियारों में करीब 30 करोड़ भूमिहीन लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं जो भूमिहीन है। हम जो भूमि अधिग्रहण विधेयक ला रहे हैं उसके मुताबिक देश में औद्योगिक गलियारे स्थापित किए जाएंगे और जो पिछड़े हैं 30 करोड़ भूमिहीन लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। जेटली ने 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी योजना शुरू करने के मौके पर कहा कि लोगों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में पहल की जा रही है। तालिबान प्रमुख मुल्ला फजलुल्लाह पर प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल एवं आर्थिक मदद करने के सिलसिले में पेशावर स्कूल नरसंहार के मास्टरमाइंड और पाकिस्तानी तालिबान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्लाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को अलकायदा प्रतिबंधों की सूची में फजलुल्लाह का नाम शामिल कर लिया। अब उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। अमेरिका में भारतीय की गोली मारकर हत्या। अमेरिका में कनेक्टिकट में एक गैस स्टेशन में स्पष्ट रूप से लूटपाट की कोशिश के दौरान दो नकाबपोश व्यक्तियों ने वहां काम करने वाले 39 वर्षीय एक भारतीय पर गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौत हो गई। नकाबपोश व्यक्तियों ने गत सोमवार रात न्यू हेवन के गैस स्टेशन में एक क्लर्क के तौर पर काम करने वाले संजय पटेल को सीने में 3 और हाथ में 1 गोली मारी। पटेल को येल न्यू हेवन अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्होंने 1 घंटे बाद दम तोड़ दिया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।